इंटरवल के बाद ही मिल रहे हैं। इन सेकेंड पार्ट द पिलग्रिमेज ऑफ क्रिश्चियंस वाइफ, पहले पार्ट में क्रिश्चियन के पिलग्रिमेज की बात हो रही थी, सेकेंड पार्ट में उसकी वाइफ और उसके बेटों के पिलग्रिमेज की बात हो रही है, और साथ में एक मेजन भी है, नौकरानी मर्सी। अच्छा, मेजन बहुत ही खूबसूरत शब्द है, इसकी कई मीनिंग्स होती हैं। फाइंड आउट सेम स्टॉपिंग प्लेसेस। अच्छा, एक चीज और, क्रिश्चियन की वाइफ का नाम क्या है? तो क्रिस्टियाना। वो भी कुछ ऐसे जगहों पर रुकते हैं जहां क्रिश्चियन रुका था, लेकिन साथ में क्या था? विद द एडिशन ऑफ गायोस इन, बीच में एक और जगह वो रुकते हैं, उसका नाम है गायोस इन, कोई सराय है। कहां पड़ती है ये? बिटवीन द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ एंड वैनिटी फेयर। तो शैडो ऑफ डेथ और वैनिटी फेयर के बीच में जो वैली है, जो घाटी है, वहां पर ये पर्टिकुलर इन है जहां ये लोग भी विजिट करते हैं। क्रिश्चियन वहां नहीं गया था। टेक अ लॉन्गर टाइम इन ऑर्डर टू एकोमोडेट। तो रास्ता तो वही है, लेकिन फिर भी जाने में वक्त लग रहा है, और ज्यादा वक्त लग रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? ये बहुत सिंबॉलिक है। क्या है? क्यों वक्त लग रहा है? टेक अ लॉन्गर टाइम इन ऑर्डर टू एकोमोडेट मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ फॉर द फोर सन्स एंड देयर वाइफ्स। चले हैं पिलग्रिमेज पर बच्चों के साथ, बेटों के साथ, लेकिन उस यात्रा में ही बीच में बेटों की शादियां भी करनी हैं, उनके बच्चे भी पैदा करवाने हैं। What does it mean? It means that how different people become sannyasi in different stages of life. कुछ लोग होते हैं जो शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ते, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि घर द्वार छोड़ करके सन्यासी बन जाना है। एज वी हैड नरेन, स्वामी विवेकानंद, द एज इन विच वन यू नो tries to accommodate, tries to cope up with the situations created in a grihastha system, he passed away. तो एक लाइफ उनकी थी। दूसरी लाइफ, we had one more great sage who spent his childhood in a very, you know, beautiful manner, very happily, even got married and had a son. And then ultimately one day he realized that he had to leave all such things. So he left the home or the palace, and that particular great kind of thing took place. Yes, Soumya, very good. Buddha, Mahabhinishkramad, that thing took place. Siddhartha went to become Buddha. तो हमारे पास तो दोनों एग्जाम्पल हैं। तो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है। इवन इस पर भी, चूंकि बात ही वैसी चल रही है स्पिरिचुअलिटी की, तो बार बार मुझे विवेकानंद की याद आ जाती है। कई बार लोग इस पर बातें करते हैं, बहस करते हैं, दैट हाउ यू नो फॉर रीचिंग अ पर्टिकुलर प्लेस पीपल यू नो टेक डिफरेंट रूट्स।
तो बात यह है कि वो एक बड़ा अच्छा श्लोक भी है, मुझे वो याद नहीं, जिसका मतलब वही है कि जैसे कोई हिमालय है, हिमालय एक बड़ा पर्वत या कह लीजिए पर्वतों की श्रृंखला, उस पर अगर ऊपर चढ़ना है तो कोई एक रास्ता तो होगा नहीं चढ़ने का, डिफरेंट वेज आर देयर, और हर रास्ते से अगर चढ़ने वाला चढ़ पाए तो चढ़ सकता है, पहुंच सकता है। अंतर बस इतना ही है कि कुछ लोग आसानी से चढ़ जाएंगे और कुछ लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कुछ लोग कम समय में पहुंच जाएंगे और कुछ लोगों को काफी लंबा वक्त लग सकता है, वही शॉर्टकट लॉन्ग कट वाली बात है। तो यहां घर गृहस्थी सब निभाते हुए क्रुशियाना अपने बेटों के साथ निकली तो थी, बेटों के साथ, लेकिन अल्टीमेटली रास्ते में जो है बेटों की शादियां की, बीबियां आई, उनके बच्चे हुए, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स टुक प्लेस, एंड दैट्स हाउ अ लॉन्गर टाइम वॉज टेकन बाई देम। अच्छा, इसमें कैरेक्टर जो है जो कह सकते हैं कि सेकेंड पार्ट का हीरो है, उसका नाम है ग्रेट हार्ट। नाम से भी क्लियर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है इस पूरे टेक्स्ट में, डिफरेंट कैरेक्टर्स, बल्कि दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट नोशंस, डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स, इमोशंस, ग्रेट हार्ट। अच्छा, एक चीज जो मैंने नोटिस की इसमें, दैट हाउ फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल वी टॉक ऑफ अ पर्सन बिकमिंग अ हीरो हु हैज द कैपेसिटी टू किल अदर्स। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा हीरो का? यहां हम ग्रेट हार्ट को क्या बोल रहे हैं? हीरो बोल रहे हैं। नो डाउट ही इज किलिंग एविल पीपल, लेकिन एविल हो या डेविल हो या एंजल हो, किसी को भी मारना, किलिंग जो है, किलिंग हीरोइक कब से हो गई? किसी को भी मारना, अगर वो सच में अप्रिशिएट करने वाली चीज होती तो कानून उसके लिए तो छोड़ देता सबको। कानून तो कहता है कि आप किसी भी हालत में, अगर आप किसी दोषी को भी अगर आप मार रहे हैं तो आप भी क्या कर रहे हैं? कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, यू आर कमिटिंग अ क्राइम। बट यस, हियर वी आर हैविंग दिस ग्रेट हार्ट। कौन है वो? सर्वेंट ऑफ द इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का सर्वेंट है और एक तरह से वो गाइड का काम करता है सेलेस्टियल सिटी के लिए। जब जब गाइड की बात आती है, मुझे बार बार आरके नारायण याद आते हैं। आई होप कि आप लोगों में से कुछ ने पढ़ा होगा, और अगर पढ़े नहीं हैं तो प्लीज एक बार देवानंद अभिनीत वो फिल्म गाइड जरूर देखिए, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जो कम्युनिकेट करने की कोशिश की है आर के नारायण ने। तो ग्रेट हार्ट अभी फिलहाल ये समझिए सेकेंड पार्ट का हीरो, इंटरप्रेटर का सर्वेंट और गाइड का काम करता है जो लोग सेलेस्टियल सिटी में जाते हैं। तो अब गाइड है, तो गाइड के साथ क्या है? काफी एनर्जेटिक, शिवेलरिक काइंड ऑफ पर्सन। हाउ? ही किल्स फोर जायंट्स। रास्ते में चार जायंट आते हैं, तो जायंट नॉर्मली, जायंट का मतलब राक्षस से ही लिया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने वो पढ़ा ना, सर ने आई थिंक पढ़ाया होगा आप लोगों को, दैट वर्क ऑफ, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जिसमें जायंट्स की बात है, गुलिवर्स ट्रेवल, जोनाथन स्विफ्ट। क्या आप में से कोई मुझे उसका सैटरिकल अप्रोच बता सकता है? वो जो कहानी है जिसको आप बच्चों की कहानी के रूप में पढ़ते आए हैं, अगर बचपन में किताबों में पढ़ा होगा, गुलिवर की यात्रा, उस फोटो के
उस फोटो के साथ जिसमें एक बड़ा सा राक्षस नुमा इंसान लेटा हुआ है और छोटे छोटे लोग टाइनी पीपल दे आर वो उसको बांधने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ चुके ना आप लोग गुलिवर्स ट्रेवल्स? यस सर। जरा बता, जो गुलीवर रहता है वो बहुत बड़ा होता है और जो लिलीपुट्स होते हैं उनके आयरन चला जाता है, वो सब बहुत छोटे साइज के होते हैं। ये तो सरफेस लेवल की बात हो गई। एक मैच्योर्ड अप्रोच क्या है उस टेक्स्ट को देखने का? मैं ये कहना चाह रहा था दैट व्हेन समबडी इज इनलार्ज्ड इन शेप एंड टेलिंग अदर्स आर वेरी टाइनी बिफोर हिम, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है उसका? हम बड़े आदमी हैं, तुम बहुत छोटे आदमी हो हमारे सामने। सर बॉडी स्ट्रेंथ मतलब जो पावरफुल वाले होंगे वो अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझेंगे। यस यस, सो यस आई वाज ट्राइंग टू टेल यू दैट व्हाट यू रेड एट यू नो चाइल्डहुड स्टोरी इज एग्जैक्टली नॉट दैट। उसमें जो वो हैं छोटे और बड़े जो दिख रहे हैं दिखाए जा रहे हैं दैट इज वेरी मच सिंबॉलिक। और व्हेन यू आर सेइंग समबडी एज वेरी टाइनी बिफोर यू, यू आर हैविंग अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आपके अंदर वो कॉम्प्लेक्स है सुपीरियरिटी वाला। और व्हेन यू आर सेइंग योरसेल्फ एज वेरी इनफीरियर टू अदर्स दैट इज इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो कोई वही है बड़ा अच्छा सेल्फ स्टीम का कॉन्सेप्ट आता है, दिखाता है शीशे में एक बिल्ली बैठी है, सामने शीशा है और बिल्ली देख रही है खुद को शेर समझ रही है, वो भी गड़बड़। एक शेर बैठा है खुद को देख रहा है शेर नहीं है बिल्ली है, वो भी गड़बड़ी। ये केवल पर्सनली उसके लिए है, लेकिन वही है कि खुद को, ये तो सेल्फ स्टीम की बात हो गई कि आप अपने आप को कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं, दोनों तरीका गड़बड़ है। आप जो हैं वो आपको स्वीकार करना चाहिए बट एट द सेम टाइम यू मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स। तो यहां देखिए वो जो जायंट की बात है तो इस पर भी काफी बहसें हैं। इवन अगर आप अपने यहाँ की बात करें, अपनी कहानियों की बात करें तो उसमें कैसे किसको राक्षस कह दिया गया, किसको देवता कह दिया गया, कौन आर्य रहे कौन द्रविड़ रहे, बड़ा जो है कंट्रोवर्सियल टॉपिक है कि किसने किसको देवता बनाया, किसने किसको राक्षस बना दिया, या कोई अगर बॉडी से बहुत बड़ा है तो क्यों वो राक्षस क्यों है। खैर वो अलग बातें हैं। फिलहाल ही किल्स फोर जायंट्स called Giant Grim, Giant Maul, Giant Slaygood and Giant Despair. तो चार जायंट हैं, चारों का अलग अलग नाम है, Grim, Maul, Slaygood और Despair. तो Slaygood और Despair के नाम से ही क्लियर है, Slaygood का मतलब जो गुड को ही खत्म कर दे, तो ऑब्वियस है कि वो नेगेटिविटी का रिप्रेजेंटेटिव है और कोई Despair ही है खुद। बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू टेल यू, आप जरा एक बार अ हिम टू एडवर्सिटी पढ़िएगा। पढ़ा है आप में से किसी ने अ हिम टू एडवर्सिटी? आई थिंक थॉमस ग्रे की पोएम है, मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो क्या करता है, इन चारों को मार देता है एंड ही बिकम्स हीरो। चार जायंट्स को मार देगा। अब वही है किस तरह से हम महिमा मंडन करते हैं, कोई नेगेटिव कैरेक्टर कुछ करता है तो हम कहते हैं कि उसने हत्या की है, और कोई पॉजिटिव कैरेक्टर कुछ करता है तो हम कहते हैं कि उन्होंने उसका वध किया। तो शब्द बदल देते हैं और
मैनिपुलेट करते हैं स्टोरीज, मैनिपुलेट करते हैं कैरेक्टर्स, मैनिपुलेट करते हैं लोगों की साइकोलॉजी को. पार्टिसिपेट्स इन द स्लेइंग ऑफ अ मॉन्स्टर कॉल्ड लीजन. एक और है मॉन्स्टर, उसको भी मारने में हेल्प करता है, उसका नाम है लीजन. क्या काम था उसका? दैट टेररिजेस द सिटी ऑफ वैनिटी फेयर. पूरे वैनिटी फेयर का जो है माफिया बन के बैठा हुआ था, सबको डरा के रखा हुआ था लीजन, उसको भी स्ले कर देता है. अगर हिंदी में कहें तो कहें वध कर देता है. फिर व्हेन क्रिश्चियाना स्पार्टी लीव्स गैज इन, यानी पूरे के पूरे लोग जब वहां से निकलते हैं उस इन से, एक और कैरेक्टर है, उसका नाम है मिस्टर फीबल माइंड. तो फीबल क्या होता है? जो बड़ा कम हो. फीबल माइंड, दिमाग कह सकते हैं, कम दिमाग वाला. द मिस्टर फीबल माइंड लिंगर्स इन ऑर्डर टू बी लेफ्ट बिहाइंड. तो ये कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा टाल मटोल करता है कि वो पीछे छूट जाए. इज एनकरेज टू एकम्पनी द पार्टी बाई ग्रेट हार्ट. तो वहां पर भी ग्रेट हार्ट उसको कन्विंस करता है कि आपको साथ चलना चाहिए. आगे का जो पैराग्राफ है उसमें कई सारे कैरेक्टर्स का नाम दिया हुआ है, बस ये जानने के लिए कि हाँ ये कैरेक्टर्स हैं. क्रिश्चियाना, मैथ्यू, सैमुअल, जोसेफ, जेम्स, मर्सी, ग्रेट हार्ट, ओल्ड मिस्टर ऑनेस्ट, मिस्टर फीबल माइंड, मिस्टर रेडी टू हाल्ट, फोप, ग्रेस, मार्था कम टू बाईपाथ मीटो एंड आफ्टर मच फाइट एंड डिफिकल्टी. कहाँ पहुंचते हैं लोग? बाईपाथ मीटो में पहुंचते हैं. मीटो क्या होता है? वो बड़ा घास का मैदान होता है. कई तरह के संघर्ष करते हुए व्हेन यू नो दे कम फॉरवर्ड स्ले द, वहां पर वही जो जायंट डिस्पेयर है उसकी स्लेइंग होती है वहां पर. एंड द विकेट, और एक और है साथ में विकेट, जायंटिस, डिफिडेंस. फिर से वही बात कहूंगा कि अब ये कहानी कहानी के रूप में चल रही है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये सब क्या हैं. क्या वो सच में कैरेक्टर्स हैं? क्या सच में वो राक्षस हैं? क्या सच में वो कोई नेगेटिव पावर के इंसान रहे होंगे? या ये वो चुनौतियां हैं? दीज ऑल आर दी हैम्पर्स, दी हर्डल्स इन वंस पिलग्रिमेज टूवर्ड्स गॉड. जब भी आप, पहले भी मैंने बताया था कि जब भी आप किसी सही रास्ते पर चलते हैं तो चैलेंजेस आने ही आने हैं, ये कन्फर्म है. यू विल हैव टू इनकाउंटर डिफरेंट प्रॉब्लम्स. इफ यू कैन ओवरकम देम यू विल बिकम द विनर. और यू नो मेनी पीपल व्हेन दे यू नो कन्फ्रंट सच चैलेंजेस दे सरेंडर. तो फिर वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाता आदमी. तो जब अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे तो ऐसी चुनौतियां आनी ही आनी हैं. तो दीज ऑल कैरेक्टर्स दे आर नथिंग बट द सिंबल्स ऑफ दोज डिफिकल्टीज. अब कहानी में आप पढ़ते रहिए कि ये आए, इनको मारा गया. जैसे आपके सामने जब चुनौतियां आती हैं, जैसे कह लीजिए कि वी ऑल आर हीरो व्हेन वी कैन किल डिप्रेशन, व्हेन वी कैन किल टेंशन, नेगेटिविटी, ऑल द कॉम्प्लेक्सेस दैट वी कैन हैव. वी ऑल्सो हैव समटाइम्स यू नो दैट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स and all other sort of negative things. So when we have such things in our brain, we all have that negativity with us. We have some ignorance regarding something. So these all are the evil things that we have in our mind. So if we can kill them, we are hero. To wahi baat hai. To diffidence, giantess hai koi, uska naam hai diffidence, usko bhi maarte hain sab. डिमोलिश, और फिर क्या करते हैं? दे डिमोलिश डाउटिंग कैसल फॉर क्रिश्चियन. वहां पर क्रिश्चियन जो है कैद था,
एक कैसल है उसका नाम ही है डाउटिंग, वही है डाउट। डाउट का कोई कैसल बना ले, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल पोएम बाय जॉर्ज हर्बर्ट, पॉइजन ट्री। कहानी कुछ यूं है कि आप में से किसी ने पढ़ा है पॉइजन ट्री? यस सर। कुछ बताइए शिवानी फिर। विलियम ब्लेक का है ना? पॉइजन ट्री विलियम ब्लेक का है, हो सकता है। लेट मी बी कंफर्म्ड। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या है? पहले कंफर्म तो कर लीजिए सर शायद। हाँ हाँ विलियम ब्लेक का है, वेरी गुड वेरी गुड, ब्लेक का है, विलियम ब्लेक का है। बोलिए। सर वो पोएम फॉर्म में फेयर था, वो एंग्री एंड रथ के बारे में बताते हैं। आई वाज अ फ्रेंड, आई टोल्ड माय रथ माय रैटेड एंड आई वाज एंग्री विद माय फो, आई टोल्ड इट नॉट माय रैटेड। जो वो कहते हैं कि अगर मैं अपने दोस्त से गुस्सा हूँ या फिर उससे नाराज हूँ, कोई नाराजगी है मेरे में और वो मैं अपने दोस्त के सामने उस चीज को बयां करता हूँ बताता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वो गुस्सा खत्म जाता है। और सेम चीज हम अपने एनिमी नहीं शेयर करते, उसको नहीं बताते, तो वो चीज बढ़ती जाती है जिससे कि वो उनकी जो दुश्मनी होती है वो बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली दैट बिकम्स अ ट्री। यस सर, वो एक पेड़ का रूप ले रहता है। तो वो पेड़ क्या है सच में? कोई पेड़ एग्जिस्ट कर रहा है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही। दैट्स अ सिंबल कि वो इतना बड़ा हो जाता है कि एक पेड़ बन जाता है। एंड वन डे माय एनिमी विजिटेड दैट ट्री एंड एट द फ्रूट ऑफ दैट ट्री एंड ही डाइड। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी कि ये ब्लैक की पोएम है, हर्बर्ट की नहीं। पता नहीं कितने दिनों से मेरे दिमाग में ये बात रही होगी। तो वो जो ट्री बनी है, इमोशंस की ट्री बनी हुई है, नेगेटिविटी की ट्री बनी हुई, तो वो उसी तरह से यहां पर क्या है, एक कैसल है, वो डाउट का कैसल बना हुआ है, उसको डिमोलिश करते हैं, उसी में कहीं ना कहीं वो क्या है दबा रहता है क्रिश्चियन, होपफुल हुवर, यू नो दो क्रिश्चियन भी वहीं होता है, होपफुल भी वहीं होता है, उसको डिमोलिश करते हैं ये लोग, यू नो डाउट। डाउट की बात जब आती है, आप जब अगर हिस्ट्री को देखें, ओरिजिन्स ऑफ द स्पीसीज वॉज पब्लिश इन 1859 बाय चार्ल्स डार्विन। 1859 के पहले क्रिश्चियंस की दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा था। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें ऐसी थीं जिसको लोगों ने मान लिया था कि ये गॉड का किया हुआ है, गॉड ने सब कुछ बनाया है, और उनके हिसाब से चीजें चल रही थी। एक विश्वास था, एक ट्रस्ट था। लोग चर्च जाते थे, बाइबल की सारी बातों का विश्वास करते थे। बट व्हेन दैट बुक गॉट पब्लिश्ड, अ सेंस ऑफ डाउट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। Skepticism started existing there in the Victorian society, and that created a havoc. और स्थिति यह हुई कि कई लोगों ने चर्च जाना बंद कर दिया। क्यों? Only because of doubt. तो doubt कितनी बड़ी चीज हो सकती है? Even one of my friends, once he told me that I read the letter by Bhagat Singh in which he stated, "Main nastik kyon hoon?" So he said, when I read that, मुझे लगा कि उनकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ और अचानक से मैं नास्तिक बन गया। मैंने कहा तो फिर? बोला बंद तो गया बट आई एम नॉट हैप्पी।
chaos is there in my mind. I'm not happy. अच्छा वो क्यों नहीं हैप्पी है? क्योंकि बचपन से जिसको ईश्वर का कॉन्सेप्ट बताया गया, चीजें बताई गई, सिखाई गई, अचानक से वो उसको इनकार करना पड़े तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए. लॉजिकली तो उसको समझ में आया कि ठीक है जो बात कहते हैं मैं सहमत हूं, मैं भी नास्तिक हो गया. लेकिन ऐसा नास्तिक क्या होना जब आप उसमें कंफर्टेबल ही नहीं. तो उसने पूछा कि इसका उपाय क्या है. मैंने कहा ऐसा है, भगत सिंह को पढ़ करके अगर आप नास्तिक बन गए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप विवेकानंद को पढ़िए, आप आस्तिक बन जाएंगे. लेकिन एक बात जो मेरे समझ में आ रही है, जो मैंने कही उनसे, मैंने कहा इतनी जल्दी आप इन्फ्लुएंस कैसे हो सकते हैं किसी से भी? आपको ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, आप उससे चीजों को एनालाइज करिए ना. आस्क टू योर सेल्फ व्हाट यू फील. अलग अलग लोगों की बातें सुनेंगे तो लोग अलग अलग तरह की बातें करेंगे. अब जिसकी बात सुनेंगे उसी की बात से कन्विंस हो जाएंगे, तो ये तो मैच्योरिटी की कमी है. तो डाउट जो होता है, डाउट इस तरह की चीजें लेकर के आता है. तो वो जो डाउट का कैसल बना है जिसके अंदर दबे पड़े हैं होपफुल और क्रिश्चियन, उसको डिमोलिश करते हैं ये लोग एंड दे ब्रॉट देम आउट. एक और पीला पड़ा आदमी जिसका नाम है मिस्टर डिस्पोंडेंसी और उसकी बिटिया है. अच्छा उसका नाम क्या है? मच अफ्रेड. कैसल्स के डंजियन से, यानी जो कारागार होते हैं वहां पर ये भी कैद थे मिस्टर डिस्पोंडेंसी और उनकी बिटिया मच अफ्रेड, दोनों को भी बाहर निकालते हैं ये लोग. फिर क्या होता है? When the pilgrims end up in the land of Beulah, they cross over the river of death by appointment. उनका जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है सारे पिलग्रिम्स का, लैंड ऑफ ब्यूला में, फिर उसके बाद जाना था वहां से रिवर ऑफ डेथ को क्रॉस करके. और वहां पर जो उन वो बातें कहते हैं उनके लास्ट वर्ड्स वहां पर रिकॉर्ड किए जाते हैं. लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन हैं या उसकी वाइफ हैं, उसके जो सन्स हैं, दे डोंट क्रॉस बट रिमेन फॉर द सपोर्ट ऑफ द चर्च इन दैट प्लेस. वो वहीं रुक जाते हैं, वो पार नहीं करते, चर्च के सपोर्ट के लिए वो रुक जाते हैं. यहाँ पर ये एंड होता है. एक बड़ी अच्छी सीरीज है उसमें हॉलीवुड में, उसमें आपने देखा होगा अगर आप में से किसी ने देखा हो, शेर एक कैरेक्टर है उसमें, और कैसे वो एक अलग दुनिया से कभी कभी आता है और कैसे फिर नदी से होते हुए एक दूसरी दुनिया में चला जाता है. नाम तो मैं भूल रहा हूँ, मैं सर्च करके एक बार आप लोगों से शेयर कर दूंगा. आई ऑलवेज टेल यू नो while being the student of literature you must be aware of some you know literary things like movies series. One more thing, very beautiful series I talked about, Netflix par hai, Lucifer. Mature logo ke dekhne wali series hai, काफी इंटरटेनिंग भी है, काफी कुछ सीखने लायक भी है उसमें. तो मैं क्यों बात कर रहा हूं उसकी? इन आवर लाइफ फॉर अ सर्टेन मोमेंट एट अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वी हैव दैट चैलेंज. हमारे सामने वो चैलेंज आता है कि हम क्या करें. वो याद करिए, रोड नॉट टेकन, आई टुक द पाथ लेस ट्रेवल्ड बाय. तो आपको कहां जाना है, आप
कौन सा रास्ता अपनाते हैं, आप रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं या किधर चले जाते हैं, दैट अल्टीमेटली डिसाइड्स योर फ्यूचर एंड सम हाउ दैट मे डिसाइड द फ्यूचर ऑफ कमिंग जनरेशंस एज वेल। तो यहां जो इनका रुकना है वो खुद के लिए नहीं है, दैट इज फॉर द सपोर्ट ऑफ चर्च एंड ऑब्वियसली फॉर द सपोर्ट ऑफ क्रिश्चियंस। तो खैर ये बात तो रही, अब थोड़ी सी बात हम करें जो उसमें कुछ जगह हैं उन जगहों की बात करते हैं। विकिपीडिया ओपन कर सकते हैं आप लोग। प्लेसेस इन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, उसमें है सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये एक सिंबॉलिक प्लेस है दुनिया के लिए। वो क्या है सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन? क्रिश्चियन का घर है, क्रिश्चियंस होम, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को रिप्रेजेंट करने वाला। अगला जो प्लेस है SLOUGH, इसका उच्चारण कोई बता सकता है मुझे बिना देखे? क्या होता है? स्लफ होगा क्या? यस वेरी गुड, स्लफ, स्लफ ऑफ डिस्पॉन्ड, लास्ट में जी एच है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में फ आता है लास्ट में, स्लफ ऑफ डिस्पॉन्ड, द माइरी स्वैम्प ऑन द वे टू द विकेट गेट। स्वैम्प समझते हैं गड्ढे टाइप का होता है, विकेट गेट के रास्ते में है। वन ऑफ द हैजर्ड्स ऑफ द जर्नी टू द सेलेस्टियल सिटी, सेलेस्टियल सिटी जाते समय बीच में स्लफ ऑफ डिस्पॉन्ड पड़ता है, जो कि एक बड़ा चैलेंज है। इन द फर्स्ट पार्ट क्या हुआ था क्रिश्चियन के साथ? क्रिश्चियन फॉलिंग इनटू इट, इसमें गिर जाता है, सैंक फर्दर अंडर द वेट ऑफ हिज सिंस, और फिर क्या होता है, अपने पाप के बोझ तले दब जाता है, एंड हिज सेंस ऑफ दियर गिल्ट। बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, यू नो, इन रियल लाइफ दे कमिट सम सॉर्ट ऑफ सिन एंड दैट अल्टीमेटली डिमीन देम, दैट अल्टीमेटली डीजनरेट दियर पर्सनालिटी। मैंने बात की थी द स्कारलेट लेटर की, द फेमस अमेरिकन नॉवेल, मैंने कहा भी था कि आप लोग एक बार पढ़िएगा उसको, ऐसे ना पढ़े तो कम से कम विकिपीडिया से पढ़ जाइए। देयर वी हैव अ पर्सन वेरी जनरस, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ना, पर्सन ऑफ चर्च, अ क्लर्जीमैन ऑफ चर्च। उसकी जिंदगी की एक गलती, ही हैड रिलेशन विद अ वुमन एंड अल्टीमेटली दैट वुमन, यू नो, गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, but he could not accept that in society, और वो एक गलती इतना भीतर भीतर उसको सालती है। Ultimately, after a few years, he dies of that grief. तो ये तो एक कहानी भर है नॉवेल की, लेकिन ऐसे बहुत से लोग आपके चारों तरफ मिलेंगे। तो जो सिन की जो फीलिंग होती है, जो रिपेंटेंस जो होता है, यू नो, इट इज क्वाइट हैवियर, क्वाइट हैवी। देन माउंट सिनाई, अ फ्राइटनिंग माउंटेन इन द विलेज ऑफ मोरालिटी दैट थ्रेटन्स ऑल हु वुड गो देयर। तो ये डराने का काम ही करता है। कहां पर है ये? विलेज ऑफ मोरालिटी के बगल में।
देन वी हैव विकेट गेट, ये क्या है, एंट्री पॉइंट है किसका, ऑफ द स्ट्रेट एंड नैरो वे टू द सेलेस्टियल सिटी। सेलेस्टियल सिटी के लिए जो रास्ता फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था, जो रास्ता पतला जाता है, नैरो और स्ट्रेट रास्ता, उसका ये उसका एंट्री पॉइंट है। पिलग्रिम्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर द बाई वे ऑफ द विकेट गेट, विकेट गेट से होकर के जाना पड़ता था लोगों को जो पिलग्रिम्स थे। बिल्ज़बब्स कैसल वॉज बिल्ट नॉट वेरी फार फ्रॉम द गेट, हमने बताया था उसमें भी कि वो सब काम ही वही करते हैं, जो बिल्ज़बब के लोग हैं वो वहीं से एरो मारते हैं उन लोगों को जो इसमें घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप कोई अच्छा काम करते करने जाते हैं तो जैसे लोग यू नो दे स्टार्ट पुलिंग योर लेग्स। हाउस ऑफ द इंटरप्रेटर क्या है, ये अ टाइप ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजियम टू गाइड द पिलग्रिम्स टू द सेलेस्टियल सिटी। एम्ब्लेमेटिक ऑफ कैलवरी एंड द टॉम्ब ऑफ क्राइस्ट। कैलवरी क्या है, देखिए कई सारे टर्म्स डिस्कशन में ऐसे आएंगे जो हो सकता है नए हो, तो थोड़े टर्म्स को सर्च करने की आदत डालिए, कुछ नया सीखने की कोशिश करिए कि रोज कुछ नया आ जाए। हो सकता है हमारे डिस्कशन में भी कुछ चीज़ें छूट जाएं, तो जो आपको जो है ट्रिगर करे आपके ब्रेन को, तो उसको जरूर एक बार सर्च करके देख लें। कैलवरी क्या है, इट इज़ दी हिल आउटसाइड ऑफ द जेरूसलेम जहाँ क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन हुआ था, उनको क्रूसीफाई जहाँ किया गया था उसका नाम है ये। तो ये क्या है, और अच्छा कितनी इंटरेस्टिंग बात है, हाउ डिफरेंट कल्चर्स यू नो हैव ग्लोरीफाइड द प्लेस वेयर वन इज बैरिड और वेयर वन वंस कॉप्स इज बर्न्ट। इन सनातन धर्म वी हैव श्मशान, और श्मशान को बनारस में मणिकर्णिका को क्या कहा जाता है मालूम, पवन कभी विजिट करिए घाट पर, पता चलेगा आपको। मणिकर्णिका तीर्थ कहा जाता है, महाश्मशान यानी वो एक तीर्थ स्थल है, और हिंदुस्तान में तो बनारस ने डेथ को जितना ग्लोरीफाई किया उतना किसी शहर ने नहीं किया। द प्लेस वेयर यू नो मुमुक्षु यू नो विजिट, मुमुक्षु कौन होते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग। तो नॉर्मली नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कहीं अगर गांव घर में कोई कहीं मरा होता है तो उस जगह को लोग भूताह कंसिडर करते हैं, हॉरिफिक मानते हैं। लेकिन आप देखिए कि आप रिलीजन का कवर जब लगाते हैं तो चीजें कैसे ग्लोरीफाइड हो जाती हैं। इन क्रिश्चियंस, इन क्रिश्चियनिटी जहां जहां लोगों को धर्म के लिए मारा गया, ऑल दोज प्लेसेस आर यू नो द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। आपने पढ़ा कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स में जो सारे के सारे यात्री जाते हैं यात्रा में, कहाँ जाते हैं वो लोग, सर थॉमस बेकेट श्राइन, द श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट। थॉमस बेकेट को वहां मारा गया था, ही वॉज किल्ड देयर, बट दैट प्लेस वॉज ग्लोरीफाइड, दैट हैज बिकम अ काइंड ऑफ टेम्पल। इवन इन इस्लाम वी हैव दैट कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, नो 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 आई एम टॉकिंग ऑफ मजार, मजार
ऑब्वियसली द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो हाउस ऑफ इंटरप्रेटर है क्या कह रहा है कि एम्ब्लेमेटिक ऑफ कैल्वरी एंड द टॉम्ब ऑफ क्राइस्ट, लेकिन वो जगह कैसी है, स्पिरिचुअल म्यूजियम है, अ प्लेस ऑफ हॉरर नहीं है, वो स्पिरिचुअल प्लेस है। देन हिल डिफिकल्टी, ये क्या है, बोथ द हिल एंड द रोड अप इज कॉल्ड डिफिकल्टी, इट इज फ्लैंक्ड बाय टू ट्रैकरस बाईवेज, इसमें दो बाईवेज हैं इसमें हिल डिफिकल्टी में, एक का नाम है डेंजर, दूसरे का नाम है डिस्ट्रक्शन, देर आर थ्री चॉइसेस और उसमें तीन चॉइसेस हैं, क्रिश्चियन टेक्स डिफिकल्टी द राइट वे, द फॉर्मलिस एंड हिपोक्रेसी टेक्स द टू अदर वेज विच प्रूव टू बी फैटल डेड एंड्स। तो डिफिकल्टी when you confront difficulty you may triumph, in other cases destruction can take place, this is the soul, you know, motto of the whole text. Then house beautiful, a palace that serves as a rest stop for pilgrims to the celestial body, naam hi khoobsurat hai uska, apparently sits atop the hill difficulty, दिखता है कि difficulty के ऊपर कहीं पर है ये, वही हर अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह होती है, वही खूबसूरत सुबह है, house beautiful, from the house beautiful one can see forward to the delectable mountains, it represents the Christian congregation and banyan takes its name from a gate of second temple, ये वर्क है सेकेंड टेम्पल, वहां से ये नाम उन्होंने लिया है इसका, और एक तरह से कह लें कि ये एक वो जगह है जहां क्रिश्चियंस जो है कॉन्ग्रीगेट करते हैं, एक जगह इकट्ठा होने वाली जगह उनकी। देन वी हैव वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन, द वैली ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल डिफिकल्टी, हिल डिफिकल्टी के दूसरे साइड में वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन है, गोइंग डाउन इन टू विच इज सेड टू बी एक्सट्रीमली स्लिपरी बाय द हाउस ब्यूटीफुल डैमसेल प्रूडेंस, हाउस ब्यूटीफुल की एक डैमसेल है, डैमसेल यू अंडरस्टैंड, लड़की, वो बताती है कि उसका जो सरफेस है बहुत स्लिपरी है ह्यूमिलिएशन का, इट इज वे अ क्रिश्चियन प्रोटेक्टेड बाय गॉड्स आर्मर मीट्स अपोलियन एंड दे हैव द ड्रेडफुल लॉन्ग फाइट where Christian was victorious over his enemy, तो God's armor, यानी ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ कोई, उसका नाम है armor, Christian दोनों मिलते हैं Apollyon से, वहां पर लड़ाई होती है उनमें, ultimately Christian became victorious by impaling Apollyon on his sword of the spirit, और वो sword of the spirit क्या है, word of God, all are symbols, and now when you are having the name of God in your mouth, that ultimately is there with you in your brain, and that may help you out of any circumstances, any negative circumstances which cause the foul fiend to fly away, fiend word is also used for, you know, devils or, you know, negative energy, देखा ही होगा अगर कुछ मूवीज देखे होंगे कैसे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, कई बार मैं सोचता हूँ इसके बारे में, when you see the horror stories, और कैसे हर रिलीजन में कैसे नेगेटिव एनर्जी को एक अलग नाम दिया गया है, हाँ? और हाउ द पीपल ऑफ डिफरेंट religions when they are of the same cult, cult क्या होता है, एक तरह की चीजें perform करने वाले लोग जो ओझा सोखा होते हैं, भूत भगाने वाले, how in सनातन धर्म they, you know, perform different rites, in Christianity they use cross, they use Christ, they use, you know, the words of God,
In Islam, we have that person with all sort of, you know, mazar sort of things. हाँ, उस religion की जो तमाम चीजें हैं उसको use करते हुए. तो ये काफी interesting लगता है कि हमने ईश्वर को अलग अलग नाम दे दिया, या यूं कह लीजिए अलग अलग ईश्वरों का निर्माण कर लिया, अलग अलग गॉड्स बना लिए, साथ में अलग अलग नेगेटिव एनर्जी भी बना ली हमने. अगर इंसानों को केवल इंसान के रूप में आप देखें तो देख करके या साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके आपको कुछ डिफरेंस नजर तो नहीं आता, लेकिन कैसे हमने कैसी अपनी इस बड़ी दुनिया में अपनी अलग दुनिया बना रखी है, अपने धर्म के धर्म को एक फाउंडेशन बना करके. खैर, सो एपोलियन मेट क्रिश्चियन इन द प्लेस नोन एज फॉरगेटफुल ग्रीन. एपोलियन मिलता है उससे कहां पर? फॉरगेटफुल ग्रीन में. दिस वैली हैड बीन अ डिलाइट टू द लॉर्ड ऑफ द हिल जीसस क्राइस्ट इन हिज स्टेट ऑफ ह्यूमिलिएशन. देन वी आर हैविंग वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ. ये क्या है? अ ट्रैकरस डेविलिश वैली फील्ड विद डेमन्स ड्रैगन्स फियान सैटर्स गॉब्लिन्स हॉबगॉब्लिन्स मॉन्स्टर्स क्रीचर्स फ्रॉम द बॉटमलेस पिट बीस्ट फ्रॉम द माउथ ऑफ हेल डार्कनेस टेरर एंड हॉरर विद अ क्विकसैंड बॉग ऑन वन साइड एंड अ डीप चास्म डिच ऑन द अदर साइड ऑफ द किंग्स हाईवे गोइंग थ्रू इट. नाम ही है शेडो ऑफ डेथ. जितनी नेगेटिव एनर्जी हैं, जितनी नेगेटिव सिंबल्स हैं, ऑल आर प्रेजेंट देयर इन दैट शेडो ऑफ डेथ. देन गाउस इन अ रेस्ट स्टॉप इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. डिस्कस कर चुके हैं पहले ही. वैंटीफेयर क्या है? अ सिटी थ्रू विच द किंग्स हाईवे पासिस. किंग्स हाईवे से के बगल से बगल में की एक सिटी है द यरलॉन्ग फेयर दैट इज हेल्ड देयर. और वहां पर साल भर लगने वाला मेला जो है लगता है वैनिटी फेयर में. वैनिटी फेयर कितना सुंदर नाम है, वैनिटी का मेला. हाउ वी ऑल यू नो विटनेस दैट वैनिटी फेयर ऑल अराउंड अस. हाउ यू नो पीपल यू नो द पीपल हु यू नो हैव different lot of great things in their lives, how they project that, how they you know show their pride, not pride, they are very much proud of that, how by showing those things they make or they try to make other people miserable, downtrodden, how they try to demean others. तो vanity fair तो हर जगह है. आप देखिए, तो आप देखिए लोगों के व्यवहार को कैसे मौका पाते ही हर कोई अपने से नीचे वाले को और दबाना चाह रहा है, और उसको डिमीन करना चाह रहा है, और उसको लज्जित कराना चाह रहा है, और उसको छोटा फील कराना चाह रहा है. गांधी जी याद आते हैं मुझे. बड़ा आदमी वही होता है जो आपको छोटा महसूस ना होने दे. बट इन दिस वर्ल्ड वी ऑल हैव यू नो सच पीपल अराउंड अस जो केवल मौके की फिराक में होते हैं ये दिखाने के लिए कि हाउ दे आर बेटर, हाउ दे आर सुपीरियर टू यू. तो साल भर क्या 24/7 है वैनिटी फेयर. प्लेन इज अ प्लीजेंट एरिया ट्रैवर्स्ड बाय द पिलग्रिम्स. एक अच्छी जगह है. Hill Looker, location of a reputed silver mine that proves to be the place where Bai Ends and his companions are lost. Looker is term denoting wealth.
लुकर से ही पता चल रहा है कि ये वेल्थ की बात है, तो ऑब्वियस है सिल्वर माइन है, सिल्वर माइन का मतलब एक्सपेंसिव ही होगी, और क्या लिखा है इसमें, वेयर बाई एंड्स एंड हिज कंपेनियंस आर लॉस्ट, हाउ वी ऑल आर लॉस्ट। एक दौर था संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी, संपदा का मतलब इस गांव घर में, इसका मतलब इसकी दो चीजें होती थी इसके पीछे, एक आपके पास जमीन कितनी है और दूसरा आपके घर में, बताइए, आपके घर में सोना कितना है, गोल्ड। तो वो दौर फिजिकल गोल्ड का था, आज भी है, पीपल आर वेरी मच यू नो कंसर्न्ड फॉर दैट, बट ट्रेंड बढ़ा, टेक्निक यू नो टेक्नोलॉजी बढ़ी, नाउ यू कैन बाय गोल्ड ऑनलाइन, यू कैन हैव योर ओन लॉकर, यू कैन डिपॉजिट योर गोल्ड देयर, यू कैन बाय एंड सेल दैट गोल्ड विच यू डोंट एक्चुअली हैव विद यू, ऐसा सोना जो आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हो, आपके पास है भी नहीं, अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वन कैन हैव। तो ये क्या है, दीज ऑल आर द मीन्स थ्रू विच यू कैन बी ट्रैप्ड इन द विशियस साइकिल ऑफ वर्ल्डली प्लेजर, वर्ल्डली थिंग्स। तो फंस तो जाते हैं आदमी, ऑब्वियस है कि क्या होंगे, लॉस तो हो ही जाना है। कहां पर, हिल ल्यूकर जैसी जगहों पर, द पिलर ऑफ सॉल्ट विच वॉज लॉर्ड्स वाइफ हु वॉज टर्न्ड इन, ये वही है, आप याद करिए अहिल्या को, अहिल्या कैसे पत्थर हो गई थी, यहां पर पिलर ऑफ सॉल्ट कौन है, वो लॉर्ड्स की वाइफ है, वॉज टर्न्ड इन टू अ पिलर ऑफ सॉल्ट व्हेन सोडोम एंड गोमरा वर डिस्ट्रॉयड। इसको जो है ये पिलर ऑफ सॉल्ट में बदल गई थी लॉट्स की वाइफ, जब सोडोम और गोमरा को डिस्ट्रॉय किया गया। द पिलग्रिम्स नोट दैट इट्स लोकेशन नियर द हिल लुकर इज अ फिटिंग वार्निंग टू दोज हु आर टेम्प्टेड बाय डेमास टू गो इनटू द लुकर सिल्वर माइन। ये एक तरह से उन लोगों को क्या कह सकते हैं, समझाने के लिए, उन लोगों को एक क्या बोलते हैं, चेतावनी स्वरूप, कि जो भी लालच में पड़ेगा, वन हु इज टेम्प्टेड विल अल्टीमेटली बी डूम्ड। देन वी हैव रिवर ऑफ गॉड और रिवर ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ, बाईपाथ मीटो, डाउटिंग कैसल, एक एक करके थोड़ा सा उसको भी देखिएगा आप लोग, द डिलेक्टेबल माउंटेन्स, इंचेंटेड ग्राउंड, लैंड ऑफ ब्यूला, रिवर ऑफ डेथ, सेलेस्टियल सिटी, दीज आर द थिंग्स, जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट, एटलीस्ट वन विच इज देयर इन द विकिपीडिया, तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो ये एक छोटा सा प्रयास रहा मेरा पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को डिस्कस करने का, जितनी मेरी समझ है, आई होप कि कुछ बातें तो जरूर समझ में आई होंगी।